गार्डन की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में प्रदेश से बना तो चलिए नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आज युवा नेता एवं विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने स्थानीय बारकुआ स्थित कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर भूरिया ने वहां उपस्थित डॉक्टर व स्टाफ गणों से मुलाकात। डॉक्टर भूरिया ने वहां पर दूरी बनाकर कोरोना पीड़ित मरीजों से बातचीत की एवं वहां पर दी गई सारी सुविधाओं की जानकारी ली। मरीजों ने बताया कि कोविड सेंटर में लगातार मरीजों के आने से कुछ समय के लिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी, लेकिन उनमें अब सुधार कर लिया गया है। वहीं नई मरीजों के लिए यहां के बजाय पालपुरा स्थित नवीन कोरोना सेंटर भेजा जा रहा है। स्टाफ द्वारा समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है तथा इलाज भी बराबर किया जा रहा है। साफ सफाई की भी व्यवस्था बराबर की जा रही है। कुछ छोटी मोटी समस्या है जो हमने स्टाफ को बता दी है, इसके भी निराकरण हेतु व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर संतुष्ट दिखे। डॉक्टर भूरिया ने इस अवसर पर कहा कि हम सबको एक दूसरे का सहयोग कर कोरोना महामारी से जिले प्रदेश एवं देश को मुक्त करना है। यदि उसमें थोड़ी सी भी कमी महसूस होती है तो आपस में मिलकर इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना होगा, तभी हम इस कोरोना योद्धाओं के साथ मिलकर कोरोना महामारी का अंत कर पाएंगे। डॉक्टर भूरिया ने बताया कि वे जल्द ही क्षेत्रीय विधायक कांतिलाल भूरिया के साथ आकर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर जिला आईटी सेल के अध्यक्ष हर्ष जैन, डॉक्टर श्रावण सिंह चौहान, डॉक्टर सुमित सोनी एवं स्टाफ गण उपस्थित रहा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए विराट पीतलिया की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव। नमस्कार।